हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सिंपली स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक फ़ोन पे का मर्चेंट अकाउंट हम लोग कैसे तैयार करें। साथ ही साथ आज हम लोग बात करेंगे एक ऑफ़र के बारे में जो फ़ोन पे में चलता रहता है, जहाँ पर आप अगर फ़ोन पे अकाउंट से किसी फ़ोन पे मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 10 रुपीज़ का जो है वो कैशबैक मिल जाता है। इस ऑफ़र को आप 10 बार यूज़ कर सकते हो, टोटल में आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा इस ऑफ़र के तहत। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि फ़ोन पे का मर्चेंट अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है, साथ ही साथ वो ऑफ़र को भी अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है वो कर सकते हो। तो सिंपली फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि हम लोग फ़ोन पे का मर्चेंट अकाउंट बनाए कैसे, क्योंकि इससे पहले जो था वो फ़ोन पे एजेंट से बात करनी पड़ती थी, उनका व्हाट्सएप नंबर लेना पड़ता था, वो रिप्लाई नहीं करते थे, बहुत सारा झमेला था। लेकिन अब ये सब ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आप सब जानते हो कि पेटीएम के पास भी एक पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के तरीके यहाँ पर है, जहाँ पर आप अपना पेटीएम का QR कोड जो है वो ले सकते हो। उसी तरीके से सेम यहाँ पर फ़ोन पे ने भी एक अपनी ऐप लॉन्च कर दी है जिसका नाम है फ़ोन पे फॉर बिजनेस। अब आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड करना, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है तो आप जाके ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा और उसका साइनअप का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे अपने फ़ोन में, उसके बाद ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको साइनअप का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली साइनअप के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे आप साइनअप के ऑप्शन पे करोगे क्लिक, यहाँ से आपको आपका नाम पूछेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा और यहाँ पर आपको नंबर डालना होगा। नंबर में आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपका जिस भी नंबर से फ़ोन पे का अकाउंट है, अगर आप उसी नंबर से अपना फ़ोन पे का मर्चेंट अकाउंट भी बनवाना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन पे अकाउंट से अपने ही मर्चेंट में पैसे जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब ये पेटीएम में भी हो गई है, पहले नहीं था लेकिन अब ये पेटीएम में भी हो चुकी है। आप अपने ही पेटीएम के पैसे को अपने मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सेम उसी तरह यहाँ पर आपको फ़ोन पे भी मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी दूसरे नंबर से बना लो यहाँ पर फ़ोन पे का मर्चेंट अकाउंट। अब जैसे आप यहाँ पर नंबर दे दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली गेट OTP पे कर देना होगा क्लिक। तो जैसे आप गेट OTP पे कर दोगे क्लिक, यहाँ पर एक OTP आएगा, आपको वो वेरीफाई करा लेना है। आप मैनुअली भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पर आप OTP वेरीफाई करा दोगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको सिंपली इस पे कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, आपका जो भी एरिया होगा आपकी लोकेशन ऑन हो जाएगी और जो भी आपका एरिया होगा जहाँ पर आप रह रहोगे वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो यहाँ पर आप मैनुअली लिख सकते हो। और ये सब लिखने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। ऊपर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अपनी पूरी डिटेल डाल के यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से आपका बिजनेस का नाम पूछेगा, तो आपको कोई भी नाम रख लेना है जो भी आपको सही लगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोर कैटेगरी पूछेगा, यहाँ पर आपको स्टोर कैटेगरी पूछेगा तो आप किस पे बनाना चाहते हो, फूड्स एंड बेवरेज पे, हेल्थ पे, रिटेलर पे, तो आप यहाँ पर जो आपको सही लगे आप वो यहाँ पर भर सकते हो। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि जो भी आप मर्चेंट अकाउंट में पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, वो किस बैंक अकाउंट में रिसीव करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी अपना बैंक अकाउंट दे देना है। मस्ट श्योर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपके जिस भी आप फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो और जो भी आपका नंबर है वो उस फ़ोन में लगा होना चाहिए। अगर आपका कोई और नंबर है, मतलब कोई और नंबर है और वो दूसरे फ़ोन में लगा, तो आप उसको दूसरे फ़ोन में डाउनलोड कर लो इस एप्लीकेशन को और वहाँ से वो वेरीफाई करा लो। वेरीफाई कराने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक, वेरीफाई होम नंबर पे। उसके बाद आपको एक यहाँ पर लिख के आएगा लिंक, उसके बाद आपको सिंपली सेंड पे कर देना है क्लिक। सेंड पे जैसे आप क्लिक करोगे सेंड हो जाएगा और यहाँ पर आपका वेरीफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर वेरीफिकेशन स्टार्ट होने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेफ एस कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। तो जैसे आप सेफ एस कंटिन्यू पे कर दोगे क्लिक, यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर ओपन करके दिखा देता हूँ। साइनअप का प्रोसेस मैंने समझा दिया, कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पूरी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना फ़ोन पे का जो मर्चेंट अकाउंट है वो मेरा मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि आपको QR कोड है वो कहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेमेंट भी रिसीव करके देखी है और यहाँ पर मुझे कैशबैक भी मिला, लेकिन मैं आपके सामने एक बार फिर से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे ट्रांजेक्शन आपको जो भी मिल जाएंगे जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा पूरा और यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली माई प्रोफाइल के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपको मैनेज QR कोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आपको व्यू QR का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपका QR कोड जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली डाउनलोड PDF पे कर देना है क्लिक। और आपको जो भी
यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा ये QR कोड जो है वो आ चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको QR कोड मिल जाएगा, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप सेव कर लो, ये आपका QR कोड जो है वो तैयार हो गया। अब हम लोग ऑफ़र के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे का जो अकाउंट है वो अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा फ़ोनपे ये रहा, तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोनपे जो है वो ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको अपना वॉलेट दिखा दूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर अपने वॉलेट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं, यहाँ पर आपको शो भी हो रहे होंगे। यहाँ पर मैं विड्रॉ भी आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं। अब यहाँ पर मैं आपको आपके सामने एक ट्रांजेक्शन करूँगा। तो सबसे पहले आपको होम पे आ जाना है, होम पे आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा QR कोड का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अपनी जो QR कोड जो आपने सेव करा है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पर मेरा ये रहा QR कोड, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। यहाँ पर मैं अपने QR कोड पर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑफर जो है वो देखने को मिल जाएगा, गेट स्क्रैच कार्ड विन रुपीज़। यहाँ पर आप 1000 रुपये तक के जीत सकते हो, लेकिन नॉर्मली टाइम पर आपको सिर्फ 10 ही रुपीज़ मिलते हैं। अब टोटल जो आपको पेमेंट करनी है वो सिर्फ 20 रुपये की करनी है। यहाँ पर मैं आपको 20 रुपये लिख के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 20 रुपये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैं पे करूँगा क्लिक, जो भी मेरा अकाउंट यहाँ से लिंक है उससे एक पेमेंट हो जाएगी और यहाँ पर जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी पेंडिंग है, ये सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे एक रिवॉर्ड मिल गया है, टैप टू व्यू पे करता हूँ मैं क्लिक। तो जैसे मैं टैप टू व्यू पे करूँगा यहाँ पर मुझे एक स्क्रैच कार्ड जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे 10 रुपीज़ मिले। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 रुपीज़ मुझे मिल चुके हैं। ये थोड़ा प्रोसेस पे है, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ अपना फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट जो कि मेरे प्रोसेस पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 30 रुपये हो गए। अभी जो ऑफर है इसको टोटल एक दिन में आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक दिन में आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ट्रांजेक्शन पर आपको पैसा मिलेगा पूरे दिन की एक ट्रांजेक्शन पर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस ट्रांजेक्शन को 10 बार कर सकते हो, हर एक अलग अलग दिन आप 10 बार कर लो, आपको 100 रुपये आपके फ़ोनपे अकाउंट पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास फ़ोनपे अकाउंट नहीं है और फ़ोनपे एप्लीकेशन भी नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से फोनपे का एक अकाउंट बना लेना एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, और इस जो ऑफर को मैंने बताया आप उसको चाहो तो लूट भी सकते हो। वैसे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट नहीं था, तो आई होप अब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी भूलना मत कमेंट करने के लिए, मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। तो इस तरीके से का ये ऑफ़र था, ऑफ़र मैंने आपको बता दिया, अप्लाई भी करके दिखा दिया, आप चाहो तो आप जाके इस ऑफ़र को लूट भी सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए ऑफर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।